शहरिया परिवार की ओर से पीर बाबा व कुलदेवी के स्थल कथौली में हर साल 6 जून को छिंज मेले का आयोजन किया जाता है। मंगलवार 6 जून को सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक बिहारी लाल के नेतृत्व में पूर्व प्रधान राज शहरिया कुलदीप चंद, देशराज सोमराज शहरिया, रमेश चंद, राकेश चंद, अनिल कुमार व सुनील कुमार ने परिवार सहित कुलदेवी व पीर बाबा परिसर कथौली में मेले का आयोजन किया। मेले में जहां दुकानदारों ने मिठाई व खिलौनों की दुकानें सजाई थी, तो वहीं कुश्तियां भी आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रही। वहीं पहलवानों को कुश्तियों में प्रोत्साहित किया गया। वहीं बड़े पहलवानों ने अपने जौहर दिखाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मेले में बड़ी माली की कुश्ती धेवा के पहलवान संजय व जरोट के पहलवान राकेश के बीच हुई। संजय ने राकेश को पटकनी देते बड़ी माली अपने नाम कर ली। वहीं बड़ी माली जीतने वाले पहलवान संजय को गागर व 1500 रुपये नगद व हारने वाले पहलवान को बाल्टी व 1200 रुपये नगद इनाम दिया गया। मेले के आयोजक देशराज ने कहा कि मेला हर साल 6 जून को आयोजित किया जाता है और पिछले 8 सालों से उनका शहरिया परिवार हर साल मेले का आयोजन करता आ रहा है। मेले में बाल पहलवानों को कुश्तियों में प्राथमिकता देकर प्रोत्साहित किया जाता है। मेले का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और लोगों का भी विशेष सहयोग मिल रहा है। पूर्व प्रधान राज शहरिया ने कहा कि मेला हमेशा इलाके की जनता के सहयोग से हर साल मशहूर होता जा रहा है। ये मेला हमारे कथौली पैतृक गांव कथौली में हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है और इस मेले का प्रयोजन पीर बाबा और कुलदेवी के आगे किया जाता है, ठीक है। और इसका अभी तक प्रचालन जो है वो पिछले 7-8 साल पहले से चला आ रहा है। अब इसको और आगे ले जाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। आज इस छिंज मेले का आयोजन शहरिया परिवार के आज इस कुलदेवी छिंज मेले का आयोजन शहरिया परिवार के कुलदेवी का आयोजन छिंज मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से हर वर्ष की भांति 6 जून को किया जाता है और जहां पर गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं सभी को इस मेले की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी का धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।